अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, कैसे हो जी। उम्मीद शायद आपकी खिदमत में हाजिर है जी। वनडे की अभी गाड़ी आई है, वनडा जो है ना वो अभी उतर रहा है, गाड़ी बाहर लगी हुई है। गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर टाइम की बात करते हैं तो 12:45 हो गए हैं। आज मुझे ड्राइवर पे, जो गाड़ी का ड्राइवर है ना, उस पर बहुत गुस्सा था आज, तो उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ उस्ताद साहब, आ जाओ आ जाओ ज़रा। भाई सीन कुछ इस तरीके से है कि असल में जिस अड्डे से बिल्टी कटी है ना, उस अड्डे से अड्डे वाले ने ना बिल्टी का जो नंबर है ना, ड्राइवर का नंबर है, उस पर हाथ लिखना था। उसने गलती से मिस्टेक करके 9 लिख दिया लास्ट पे। मैं सुबह से कॉल करता करता थक गया। मैंने कहा यार अभी तक आया, लेकिन अभी तक वो मेरे पास ड्राइवर नहीं पहुँचा। फिर मुझे काफ़ी मतलब ड्राइवर भाई के साथ गुस्सा आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या हाल चाल है जी? माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तकरीबन 15 से 20 कॉल सुबह की। मैंने कहा यार कब से लाहौर से गाड़ी चली हुई है वनडे की, तो अभी तक मेरे पास ड्राइवर नहीं पहुंचा, क्या सीन हो सकता है। फिर भाई मैंने जो बिल्टी के ऊपर नंबर होता है ना अड्डे वालों का, फिर मैंने उनको कॉल की। उनको कॉल करने के बाद जो है ना पता चला कि भाई जो नंबर है ना वो मतलब मिस्टेक के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि शुक्र फिर इस बात का हुआ कि ड्राइवर ने जो है ना, अल्लाह ने इसके दिल में रहम किया, इसने खुद ही कॉल की। फिर इसका नंबर मेरे पास है, फिर मैंने इनके साथ रابطہ किया। वो भी बेचारा परेशान था और नेटवर्क भी काफ़ी ख़राब था। तो पहले मैं सोचा, मैंने कहा यार ये लेट आया, तो लेट आने की वजह से ना इसको मैं सारा दिन गाड़ी को बाहर धूप में खड़ा रखूँ, तो भाई को भी धूप में खड़ा रखूँ बाहर। तो लेकिन मैंने जब इसकी कॉल आ गई ना, तो फिर कहा यार कोई बात नहीं, चलता है, जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा उस्ताद साहब, आप बताओ जी, आपके साथ क्या सीन हुआ? कुछ जो बात मैंने की है कुछ इस तरीके से या गलत बात है? नाइन की जगह पे नंबर 7 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। उस्ताद साहब ये वनडे की गाड़ी है, जो इसकी बिल्डिंग कितने में आई है इस मरतबा? 17,000 में। और कितना वजन लेके आए हैं आप, कितने टन है? 10 टन लेके। 10 टन वजन लेके आए हैं, बिल्कुल ठीक है। और कौन सी कंपनी का ये वंडा हमारे पास है? एशिया पोल्ट्री फीड का वंडा है। और भाई ये मिल्किंग के लिए, जो अक्सर मैं आपको 5-6 वीडियो मतलब अक्सर वीडियो में आपको बताया करता हूँ, ये वो वाली सेम है बिल्कुल जी, वैसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा उस्ताद साहब, तुम कि इलाके दे जरा दूसरा जी? मुल्तान शरीफ दे उस्ताद साहब है। अच्छा उस्ताद साहब, गड्डी जी तो लैके आओ, थोड़ी अपनी है या मतलब किराए से लैके आए हो? किन्ने अरसे ड्राइविंग करते पाए हो, जरा दसो सारे? 10 साल हो दा। तुसी जिहड़ी गवर्नमेंट दे हवाले ना जिहड़ी महंगाई जा रही है इस टाइम मौके दे उपर, तुसी इस महंगाई तो खुश हो, की कहना चाह रहे हो तुसी, जरा दसो? महंगाई तो जरा कुछ है, बाकी आवाम नहीं जीण देंदी। आवाम तो नहीं जीण देंदी, की कह रही है? पुलिस वाले हो गए, एक्साइज वाले हो गए जी, सारे तंग करते, जब तक 100-200 ने लैंड बंदे ने स्कूल नहीं आता। अच्छा तो ये 100-200 का क्या मामला है भाई, बताएं सबको जरा। मसला ये होता है, गाड़ी का कागजात भी पूरे होते हैं, हर चीज़ पूरी होती है, लेकिन फिर भी वो बिला वजह तंग करते हैं। जब तक उनको 200-300 नहीं देंगे उस टाइम तक वो गाड़ी नहीं जाने देंगे। जब उनकी जेब में 200-300 चला जाएगा, उसके बाद वो हर चीज़ ओके कर देंगे, चाहे आप गाड़ी छोटी की भी लेके फिरें। अच्छा तो 100-200 की जो बात कर रहे हैं, उनके ऊपर और ऑफिसर नहीं है क्या? उनसे वो पूछते नहीं है क्यों आप 100-200 लेते हो? बड़े से लेके छोटे तक सब मिले हुए। अच्छा, 3 बैठे थे आगे, तीनों में मिलजुल के है, बड़े अफसर के साथ ही। तो उनको दिया फिर, कितना दिया आपने? 300 रुपये लिया। 300 रुपये? अच्छा, फिर उसके बाद 300 रुपये लेने के बाद खुश हो गया वो खुश हो गया, उन्होंने कहा जाओ अब आपके कागजात भी पूरे हैं, आप वजन भी पूरे, हर चीज़ पूरी है, जाओ। अगर आप आया कि 300 ना देते तो? 300 पूरे होते फिर भी जुर्मदार कर देते। मतलब 300 लिया, 300 लेके आप मतलब जो है बिल्कुल कानून के पासदार हो गए, जबरदस्त। अच्छा जो दूसरा भाई है आपके साथ, वो आपका क्या लगता है, शागिर्द है भाई है? नहीं, वो पड़ोसी है, दोस्त है। पड़ोसी या दोस्त है, साथ तनख्वाह में चल रहा है क्या? मतलब पाकिस्तान में तकरीबन कौन से रूट पे ज़्यादा आपने सफ़र किया इसी गाड़ी में? इसी गाड़ी पे ज़्यादातर कराची, हैदराबाद, और सबसे ज़्यादा लोडिंग में आपको कौन सा जो है ना मटेरियल मिला है? सबसे ज़्यादा पंजाब में मिलता है ये प्रोटीन, और सिंध में मिलता है केला आम। ठीक है, और सिंध में जो केला आम मिलता है वो लेके फिर कौन से शहर में जाते हैं? शहर में जाते हैं, लाहौर शहर में, बिल्कुल ठीक है। और सिंध से लेके लाहौर दाता दरबार के शहर तक जो है कितना आपका बिल्टी होती है? मार्केट के हिसाब होता है, कभी 1.30, कभी 1.5 लाख, कभी 1.80। यहाँ तो और डीजल के अखराजात और टायरों की घिसाई वगैरह, जो भी टायरों के चलने का हवाला है, महंगे वो पड़े हैं टायर न पूछो। जो टायर इस वक्त 55,000-60,000 के थे, अभी इस वक्त 1,40,000-30,000 इतने के बिक रहे हैं। अल्लाह अकबर भाई, आने वाले दिनों में। अच्छा आप इधर हमारे शहर में आए, आपने इधर हमारे शहर में आके क्या महसूस किया, गर्मी इधर है या कम है ज़्यादा? हर शहर में आप मुल्तान घूम कर आप तक ये, उधर भी गर्मी है, इधर भी गर्मी है। माशाल्लाह ये है कि हवा चल रही है, हवा की नस्बत बहुत अच्छी है, हवा इंसान की हवा। तो जिस जगह पे आप ये वंडा लेके आए इधर हमारे पास, जब आप इधर हमारे पास हैं आगे से, आपको हमारा किरदार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अच्छा मतलब किस हवाले से? आपका रवैया बहुत अच्छा है।
हाँ जी जी देखिए सब दोस्तों, अभी बाहर का सीन देखते हैं भाई की गाड़ी का, कुछ आपको मैं व्यूज़ करवाऊंगा। तो ये देखिए ये वाली जो है ना भाई की गाड़ी है, मतलब तो इसी से जो है ना ये एशिया इंडस पोल्ट्री फीड का जो है ना ये वाला वंडा जो है ना वो उतर रहा है। चले दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा जो है व्लॉग अच्छा लगे तो लाजमी मेरे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में आपने गुड लिखना जो आपको अच्छा लगे। और मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।